पढ़ी लिखी का अचार डालेंगे क्या? काली कलूटी बहू? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। ऐसी काली कलूटी बहू नहीं चाहिए हमें। चल बेटा। और बहन जी, कहाँ है आपकी बेटी? जल्दी बुलाइए। और वैसे ना, बहुत सुना है मैंने आपकी बेटी के बारे में, बहुत इंटेलिजेंट है। जी, आप लोगों के लिए चाय बनाने गई है, बस आती ही होगी। क्या बात, इतनी खातिरदारी! अभी समधन तो बनने दीजिए हमें। जी, बन जाएंगे। और वैसे, और क्या क्या बना लेती है आपकी बेटी? क्योंकि हमें ना घर का काम करने वाली बहू चाहिए, और सबसे जरूरी बात कि बेटी हमारे बेटे जैसी गोरी होनी चाहिए। वो क्या है ना बहन जी, अब हमारा बेटा है ही इतना खूबसूरत कि लड़की उसके बराबर की होगी ना, तभी समाज में हमारा नाम बनेगा, और मोहल्ले वाले देखने आएंगे तो कहेंगे ना कि बहू कितनी सुंदर है इनकी। माँ जी, अभी सास बनी नहीं हूँ मैं तुम्हारी। माँ जी, बहन जी, हमारी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, इसने बड़ी बड़ी कंपनी में अप्लाई कर रखा है, बहुत जल्दी इसकी जॉब लग जाएगी, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश रहेंगे। और देखो ना बहन जी, आप दोनों की जोड़ी भी अच्छी लग रही है। जोड़ी? कैसी जोड़ी? अरे बहन जी, अपनी बेटी को देखिए और मेरे बेटे को। तू जैसा सफेद है मेरा बेटा, और आपकी बेटी काली, कैसे करेगा इस काली कलूटी से शादी? और मोहल्ले वाले आएंगे तो क्या कहेंगे, लड़का ऐसा और लड़की काली कलूटी। बहन जी, हमें माफ कर दीजिए, ये शादी नहीं हो सकती। हमें गोरी बहू चाहिए, कोई काली कलूटी नहीं, सुंदर और गोरी बहू। चल बेटा यहाँ से, ये शादी नहीं कर सकते हम। बहन जी, आप सुनिए तो, हमारी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है और आपके परिवार का बहुत ख्याल रखेगी। पढ़ी लिखी का अचार डालेंगे क्या? काली कलूटी बहू? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। ऐसी काली कलूटी बहू नहीं चाहिए हमें। चल बेटा। बहन जी, आंटी जी, मम्मी ने कहा ना कि हमें काली बहू नहीं चाहिए। अरे मेरा दोस्त इसका रंग देखेगा तो कितना मजाक उड़ाएगा मेरा, और तो और मेरा ऑफिस का स्टाफ रोज मुझे ताने मारेगा कि कैसी काली कलूटी लड़की से शादी कर ली तूने। माफ करना आंटी जी, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। बेटा, बस आंटी जी, हमें माफ करिए। चल बेटा। बहन जी, रुको। बस, छी। कहाँ ले आया? ओह हेलो मैडम, तुम्हें कहीं देखा? अच्छा याद आया, आपका सुंदर सा चेहरा कहाँ देखा था? तो तुम यहाँ जॉब के लिए आई हो? भूल जाओ, तुम्हें यहाँ जॉब नहीं मिलेगी, यहाँ काले लोगों को जॉब नहीं देते। तुम्हें पता है ना ये कंपनी कितनी बड़ी है, यहाँ स्मार्टनेस के साथ साथ शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए, समझी मैडम? तो यहाँ पे अपना ना टाइम मत खराब करो, निकलो यहाँ से फटाफट, वरना ये ऑफिस के स्टाफ वाले तुम्हारी शक्ल देख के यहाँ तुम्हें धक्के मार मार के बाहर निकालेंगे। गुड मॉर्निंग मैम, आपकी कंपनी में जॉब मिलने के बाद मेरी रेपुटेशन और बढ़ जाएगी। मैम प्लीज़ मुझे यहाँ पे जॉब दे दीजिए। मैम आप, मैम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैम मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मैम आई एम सो सॉरी मैम, प्लीज़ माफ़ कर दूँ, लेकिन क्यों? गलती भी शायद तुम्हारी नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी की तो सोच ही ऐसी है कि लड़की अगर गोरी है तो वो सुंदर है और समाज में काम कर सकती है, लेकिन अगर वो सांवली है तो वो बदसूरत है। आनंद, इनसे मिल, ये मेरे हस्बैंड है आनंद।
ये कंपनी हम दोनों ने ही स्टार्ट की। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये मेरे रंग से प्यार नहीं करते, ये मुझसे प्यार करते। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें यहाँ काम नहीं दे सकती। हाँ। क्योंकि अगर तुमने यहाँ जॉब की तो तुम्हारे दोस्त क्या कहेंगे कि तुम्हारी बॉस काली है? I'm so sorry. एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सुंदरता रंग से नहीं होती है, असली सुंदरता दिल से होती है, इंसान की इंसानियत से होती है, ना कि चेहरे से होती है। Now you can get lost. I'm एक चांस प्लीज। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो को देख के आप मॉरल समझ ही गए होंगे। मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी को कलर के हिसाब से जज ना करें। हमारी कंट्री में क्या होता है कि लोग एक दूसरे को कलर के हिसाब से जज करते हैं। उनको लगता है किसी का डार्क कलर है तो उन पर टैलेंट नहीं होगा और उनको कोई काम नहीं दिया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, किसी को भी कलर के हिसाब से जज ना करें, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कलर की वजह से आपको नौकरी से निकाल दिया गया हो या कोई भी इश्यू आया हो कलर की वजह से, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ। और इस वीडियो में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है, तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि इसमें जो मैसेज है उन तक पहुँच सके। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोस में आए तो आप लोग मुझे अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। तो जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए एक मॉरल के साथ। हमेशा से मुस्कुराते रहे, खुश रहिए। थैंक यू।